दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दोनों सीरीज जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी तो सामने आ रही है क्योंकि भारत और श्रीलंका के मैच बेहद नजदीक आ रहे हैं और आपको बता दें कि खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है और भारतीय खिलाड़ियों के युवा बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस में ऐसा कारनामा किया जिसको देखने के बाद श्रीलंका के कप्तान के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में क्या किया ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन के साथ ही किस युवा खिलाड़ी को ओपनिंग करानी चाहिए, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जुलाई के महीने में दो सीरीज खेली जानी है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से पहला वनडे मुकाबला खेलना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम कुछ दिनों पहले ही मुंबई के 5-स्टार होटल में ठहरी हुई थी जहां खिलाड़ियों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म किया और टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है क्योंकि टीम के अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर गए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तानी शिखर धवन के कंधों पर है। आपको बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है और श्रीलंका पहुंचते ही पृथ्वी शॉ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ चुके हैं क्योंकि जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा तो पृथ्वी शॉ इस मौके पर कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। पृथ्वी शॉ ने श्रीलंका पहुंचते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह से चेतावनी दे दी है कि शॉ का बल्ला तो श्रीलंका में भी काले बादलों की तरह गरजने वाला है और उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेलकर ये बता दिया कि पृथ्वी शॉ शिखर धवन के साथ सलामी बल्लेबाज के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ ही दोस्तों आईपीएल में अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहचान बना चुके देवदत्त पणिक्कल ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और इस युवा बल्लेबाज ने प्रैक्टिस में अपने तेवर दिखाते हुए सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। पणिक्कल ने भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर गेंदबाज को भी नहीं बख्शा और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में ही 53 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के बाद तो उन्होंने अपनी टीम में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने जा रहे नीतीश राणा ने भी प्रैक्टिस में अपने जौहर दिखा दिए हैं। वैसे तो ये बल्लेबाज पिछले कुछ समय से आईपीएल में शानदार खेल दिखा रहा था जिसके चलते बीसीसीआई ने अब की बार इस खिलाड़ी पर दांव लगाया है और इस युवा खिलाड़ी ने प्रैक्टिस में ये साबित कर दिया कि बीसीसीआई की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार हैं। नीतीश राणा ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 78 रनों की शानदार पारी खेली और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। हालांकि पिछले कुछ समय से ईशान किशन भी अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं लेकिन खुशी की बात यह रही कि अब यही युवा बल्लेबाज अपने रंग में नजर आ रहा है। जी हाँ, ईशान किशन ने प्रैक्टिस में अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और इन्हें देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि अब श्रीलंकाई गेंदबाजों को ईशान किशन के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ईशान किशन ने 28 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेली। देखिए दोस्तों, जिस तरह से इन युवा खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में अपने तेवर दिखाए हैं ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम पूरी तरह से रंग में नजर आ रही है। और आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले इस फाइनल मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर श्रीलंका, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।